हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम मटर पनीर की रेसिपी बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और रेस्टोरेंट के स्टाइल में। बट सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैंने खड़े मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं किए हैं और गरम मसाला बिल्कुल ही कम ऐड किया है। बट फिर भी जो इसका टेस्ट है बहुत ही डिलीशियस है। सो इसको कैसे बनाते हैं और टाइम कितना लगता है, चलिए। तो सबसे पहले हम एक जार लेंगे जिसमें कि मैंने दो बड़े ऑनियंस काटे हैं वो डालेंगे और कुछ काजू लिए मैंने 8 से 10। आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1/4 कप जितना पानी डालेंगे और इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बहुत ही स्मूथ पेस्ट में। ये देखिए, इसको हमने एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, इसको गरम करके उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे, राई वो मैंने 1/4 टेबलस्पून जितना लिया है, जीरा डालेंगे 1/4 टेबलस्पून और ये मैंने थोड़ी सी हींग डाली है। चुटकी भर आपको हींग डालनी है। यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन चिलीज है जिसको एकदम अच्छे से चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे इसमें। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून जितना, इसको हम एकदम अच्छे से चला लेंगे 2 मिनट के लिए और इसको आपको स्लो फ्लेम पे चलाना है। यहाँ पर हम प्याज और काजू का जो पेस्ट बनाया उसको हम इसमें एकदम अच्छे से डाल देंगे और इसको तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है, ऑयल उसमें से अलग हो जाएगा तब तक आपको चलाना है। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको। तब तक हम लोग एक काम करते हैं कि जो टमाटर लिए हमने 6, उसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, इसकी प्योरी बना लेते हैं। तो इसको हमने एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, फिर से अब हम लोग आते हैं हमारे पेस्ट की तरफ, जो काजू और प्याज का जो पेस्ट है और हमने जो मसाला तैयार किया है। इसमें देखिए ऑयल एकदम अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल ही थोड़ा, और ये 1/4 टेबलस्पून जितना हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है और धनिया पाउडर हम 1/2 टेबलस्पून जितना ऐड करेंगे और उसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको 2 मिनट तक एकदम अच्छे से चला लीजिए, स्लो फ्लेम पे ही कीजिए ये। अच्छा, अब हम इसमें जो प्योरी बनाई है टमाटो की हमने, उसको एकदम अच्छे से डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे आपको चलाते रहना है जब तक कि एकदम अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा और नमक ऐड करेंगे, ये उसमें उबाल आने लग गया है, और इसको 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही चलाइए इसको, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें से जल जाए। अब बारी आती है मटर की। देखिए, फ्रेश मटर जो सीजनल रहते हैं, इट लुक्स सो ग्रीन। सो अब हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे एकदम अच्छे से। ये मैंने लगभग 1 कप जितना लिया है, आप चाहो तो और भी डाल सकते हो। और इसको 5 मिनट तक एकदम अच्छे से चला लीजिए मीडियम फ्लेम पर ही। अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, ये मैंने 1/2 टेबलस्पून जितना डाला है, कश्मीरी मिर्च है। इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कलर कितना अच्छा आया है और मटर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इसमें। ये पूरा इसमें से पानी जल चुका है। अब हम इसमें 1.5 ग्लास जितना पानी डालेंगे। इसमें मैंने 1/2 ग्लास जो पानी है वो पनीर को मैंने बॉईल किया है, तो वो वाला पानी ऐड किया है। अब हम इसमें एकदम अच्छे से उबाल आने देंगे। जब इसमें एकदम अच्छे से उबाल आ जाए तब हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे 1/4 टेबलस्पून और 5 मिनट तक चलाते रहेंगे, बट गैस को एकदम फुल रखना है आपको। ये पूरा बॉईल हो चुका है। ये देखिए, पनीर जिसको मैंने बॉईल किया है 250 ग्राम तक लिया है और ये मैंने घर पे बनाया हुआ पनीर है, इसको मैंने कट नहीं किया है, क्रश किया है। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट बड़े बड़े टुकड़ों में ही मैंने इसको क्रश किया है। आप चाहो तो बाहर का भी पनीर यूज़ कर सकते हो। ये गरम मसाला 1/4 टेबलस्पून जितना ही मैं ऐड करूँगी और ये कसूरी मेथी है जो कि मैं 1/2 टेबलस्पून जितना ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आपने देखा तो गरम मसाला हमने सिर्फ 1/4 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है। अब इसको चलने दीजिए, इसको एकदम ढक के रख लेंगे 2 मिनट के लिए। आप चाहो तो 4 मिनट के लिए भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट इसको स्लो फ्लेम पे रखना है। ये देखिए, सारी ग्रेवी एकदम अच्छे से थिक हो चुकी है, बहुत ही मिक्स हो चुकी है पूरी एकदम अच्छे से, और इसका कलर एंड स्मेल तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतनी अच्छी आ रही है। अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे,
एकदम अच्छे से धो के ऐड करना है भाई। अब इसको 2 मिनट तक और चलने दीजिए, स्लो फ्लेम पे ही चलाना है आपको इसको। देखिए लुक एट दिस, लुक सो डिलीशियस। तो भाई हमारा तो मटर पनीर ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और भी ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ है जो आपका वेट कर रही है, चाहती है कि आप उसे देखो। एंड जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमारी रेसिपी कैसी बनी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।